यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर के मेन बाज़ार में, जहां बीती रात चोरों ने अब्दुल रशीद मावा आढ़त के ताले तोड़कर नकदी चोरी कर ली। तो अब देखे, मैं चोरी के संबंध में बात करूंगा। ये आढ़त स्वामी अब्दुल रशीद जी से, तो ये जो चोरी हुई है आपकी, तो ये रात्रि के दौरान ताले तोड़कर, तो इसका पता कैसे चला आपको? ना, पुलिस वालों ने 4 बजे फ़ोन करा, मैं खड़ी थी गाड़ी, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे दुकान के सामने। उन्होंने फ़ोन करा, मैं 4 बजे सुबह में हम आगे देखा तो शटर को बंद था, मगर जब खोल के देखा तो सारा अंदर का फोटो ले गए। अच्छा, तो जब चोरी करने के बाद जो गश्त, पुलिस गश्त कर रही थी, उसने इनको पकड़ लिया। हाँ, फिर हमें फ़ोन करा भैया। अच्छा अच्छा, तुम दुकान पर आ जाओ, तुम्हारे सामने आ जाओ। हम आ गए, आगे देखा तो शटर तो बंद था, मगर इसके जो ताले टूटे हुए, एक कुंदा था, ये टूटा, ये कुंदा टूट गया, फिर मतलब कर दिया, अंदर के ताले तोड़ दिए, हजमी ताले। अच्छा, जो हजमी ताले थे वो भी तोड़ दिए, टूटे, और ये बाहर का भी तोड़ दिया, ताला भी तोड़ दिया। फिर पुलिस वालों ने अंदर आकर फोटो लिया, सामान इतना बड़ा था, खरीद सब ले गए। अच्छा, तो ये लगभग कितने की चोरी हुई आपके? मतलब बगैर की नहीं थी ना, खरीद भी। अच्छा अच्छा, रुपये कुछ कटे फटे थे। अच्छा, कुछ 10-10 के नोट थे, थोड़े से बगैर गिने, फिर भी आइडिया कुछ 9-10 हज़ार। अच्छा अच्छा, तो ये अभी पिछले दिनों भी आपकी दुकान के ताले टूटे थे? दिसंबर में टूटे थे। दिसंबर में टूटे थे, तब कितने का नुकसान हुआ था? जब हो गया था 25-30 हज़ार का। 25-30 हज़ार का। तो ये पुलिस ने चोरों को जो है रात्रि गश्त के दौरान पकड़ने के बाद आपको सूचना दी? हाँ, 4 बजे सुबह में। अच्छा अच्छा, तो उनके पास से ये चोरी का पैसा बरामद हो गया? उनके पास से बरामद कर लिया? तो आपने तहरीर दे दी थाने में? हैं, लड़का गया था हमारा, देती हुई और हमसे पहले गुलशन गए थे सुबह वाले। अच्छा अच्छा, चेक करके आए, रिपोर्ट करके आए। अच्छा, आपका ये नकदी के अलावा कोई और सामान भी चोरी हुआ? ना। अच्छा, नकदी चोरी हुई, और सामान नहीं गया। अच्छा अच्छा, तो बल्कि और तो कुछ नहीं गया। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे थे, एक उनके उनमें खरीद उरीज में ना, खेलने में जल्दीबाजी में मोबाइल छोड़ दिया उन्होंने, मोबाइल भी हमने दे दिया पुलिस वालों। अच्छा, एक मोबाइल भी था। हाँ। अच्छा अच्छा, अच्छा, तो जो अभी आप बता रहे थे कि आपसे पहले गुलशन जी ने तहरीर दी है आपके पड़ोस के दुकानदार ने, तो क्या इनके यहाँ भी ताले तोड़ने का प्रयास किया? क्या ताले तोड़ दिए? अच्छा, सामान नहीं गया, ताले तोड़ दिए, तो इनके भी तोड़े, अरविंद के भी तोड़े। अच्छा, अरविंद कौन है? पीछे पेंट के जो दुकान। अच्छा, पेंट की जो दुकान है। अच्छा, उनके भी ताले तोड़े, लेकिन सामान नहीं गया? नहीं गया उनका भी, ऐसा ना, उनका ताले खुले नहीं, टूट गए। अच्छा अच्छा अच्छा, अरविंद के ताले टूट तो गए, मैं खुले नहीं, ताले बेकार कर गए। वो अच्छे वाले ताले थे, लिंक वाले थे, वो 700-800 रुपये। तो देखिए, अभी मैं चोरी के संबंध में इनसे, मामा आढ़त अब्दुल रशीद जी से बात कर रहा था घटना के संबंध में, तो इन्होंने जानकारी दी और इन्होंने बताया कि इनके पड़ोस के दो अन्य दुकानों के भी चोरों ने ताले तोड़े, लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि गश्त कर रही पुलिस की सक्रियता से रात्रि के दौरान ही इस घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया था। उससे पूछताछ करने पर ये इन्होंने बताया, जो मावा आढ़त स्वामी हैं अब्दुल रशीद जी ने बताया कि और लोग भी इस चोरी में शामिल बताए जा रहे हैं। तो
ये कितने लोगों की संभावना है इसमें लिप्त होने, कितने बता रहे हैं? वैसे और भी हैं उनके साथ के? हाँ, उस लड़के के साथ के जो भी है ना, हाँ उन्होंने पकड़े हैं। अकेला तो कर नहीं सकता इतना बड़ा काम। अच्छा, पकड़ लिया किसी को? पकड़ लिया। अच्छा, एक को पकड़ा? दो तीन जने पकड़ा है। तो देखिए, पुलिस की सतर्कता से ये चोरी की घटना ये खुल गई है। इस पर बाबा आड़त स्वामी ने ये बताया। तो दीदी तहरीर दे दी आपने? अच्छा अच्छा, तो इसमें कितने लोग हैं? इसमें अभी एक ही है, इसमें एक एक ही आ रहा है। अच्छा, एक ही आ रहा है। तो उसके उसके खिलाफ आप तहरीर दी होगी आपने? दिया है, जो हमारे जो रकम गई है हमारी इसमें। तो देखिए, ये मावा आड़त स्वामी जी के ये पुत्र हैं, ये पूर्व सभासद नाजिम भाई। तो मैं इनसे बातचीत कर रहा था, तो इन्होंने बताया कि घटना के संबंध में इन्होंने तहरीर दे दी है और पुलिस ने एक युवक को इसमें गिरफ्तार किया है। 7 महीने में दूसरी चोरी हमारी दुकान पर हुई है। हाँ, ये बता रहे हैं कि 7 महीने में दूसरी चोरी है, और जबकि मेन बाज़ार में इनकी दुकान है। लेकिन लेकिन इस बार जो है पुलिस की सक्रियता रही, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बस ये पुलिस की गश्त लगातार हुई, इसी वजह से कहीं ना कहीं पकड़ में आया है। और अभी पिछली चोरी का खुलासा हमारा नहीं हो पाया, उसमें भी 30-35 हज़ार रुपये चोरी हुए थे, ये 8 हज़ार रुपये चोरी, 8,400 रुपये चोरी हुई थी। ये बरामद कर लिए पुलिस ने? ये पुलिस ने शायद जो हमने तहरीर दे दी है। अच्छा, अभी पहली घटना का कोई खुलासा नहीं हुआ? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। बाकी अब पुलिस जो इससे पूछताछ करेगी उससे पता चलेगा। इसकी फुटेज बिल्कुल जो पहले चोरी हुई थी उसी तरीके की है, सब कुछ देखने वाले में वही लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो जो आपके यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो उसका उसमें कुछ आया है इनका फोटो वगैरह? उसका पूरे फुटेज है। फुटेज आ रही है उसकी? तो देखिए, इन्होंने बताया कि CCTV कैमरे में ये जो पुलिस ने चोर को पकड़ा है, तो वो CCTV कैमरे की फुटेज में आ रहा है। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।